नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपडेट विद राजनाथ के एक नए वीडियो में। जैसा कि आप इसका थंबनेल देख पा रहे होंगे कि RRB ALP और टेक्नीशियन का एंसर की का ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है कि हम कब से एग्जाम का एंसर की देख पाएंगे छात्र। इसके बारे में अब आज ही 13 सितंबर को रेलवे ने नोटिस जारी किया है। तो चलिए देखते हैं, आपको पहले सर्च करना है RRB भोपाल। RRB भोपाल के साइट पे अभी अभी ये अपडेट हुआ है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, RRB भोपाल का साइट ओपन करेंगे यहां से। तो देखिए इस पे आ रहा है ये लिंक, आप यहां से देख पा रहे हो कि ये RRB भोपाल का ये ऑफिशियल साइट है। तो RRB भोपाल के ऑफिशियल साइट पे आज ही यानी 13 सितंबर को ये अपडेट हुआ है। चलिए इसको हम ध्यान से देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शन ट्रैकर फॉर CBT फर्स्ट अगेंस्ट CEN 1/2018 ALP एंड टेक्नीशियन, इसके बारे में 5 दिन के लिए सिर्फ आपको दिया गया है कि 5 दिन के अंदर में आप इसका देख पाएंगे। तो देखिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आज 13 सितंबर से न होकर 14 सितंबर सुबह के 9 बजे से आप अपना एंसर की देख पाएंगे। लिखा हुआ है कि ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन, आप अपना आंसर की भी देख पाएंगे। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि ये क्वेश्चन गलत है या इसका डबल आंसर हो रहा है, तो आप अपना क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, ताकि आपका वेरीफाई हो। क्योंकि ये रेलवे ने बोला है कि ये हमारा फाइनल आंसर की नहीं है, सिर्फ आपको देखने के लिए है, और उसके बाद हम को जो क्वेश्चन रेज होगा उसके बाद हम फाइनल आंसर की शो करेंगे। तो देखिए ये 14 सितंबर को 9 बजे से आप देख पाएंगे और इसका सिर्फ 4 दिन दिया हुआ है, यानी 18 अगस्त को रात के 11:55 पे आप नहीं देख पाएंगे, तब तक क्लोज कर दिया जाएगा लिंक को। तो तब तक आप सिर्फ 4 दिनों में आप अपने ऑब्जेक्शन को देख लीजिए, ऑब्जेक्शन कर पाइएगा और आप अपना आंसर की देख पाइएगा। तो आप वेट कीजिए कल सुबह 9 बजे तक का। इसमें दिया हुआ है कि आप प्रोसेस है कैसे कैसे, अगर आपको क्वेश्चन रेज करना है तो प्रोसेस क्या है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा आप ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।